स्वागत है, मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक MI रेडमी का पोको X2 मॉडल आया हुआ है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, टच पैड नहीं चल रहा है। देख सकते हो टच बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और आगे किसी ने इसमें डिस्प्ले चेंज करके देख लिया हुआ है, डिस्प्ले चेंज करके भी चेक कर लिया है, उसमें भी टच नहीं चल रही है। अब टच पैड पोको X2 में कैसे रिपेयर होती है वो हम आज देखेंगे। अब हम यहाँ पे ग्राउंड के साथ उसके सब रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस तकरीबन 400 से 500 के आसपास 6-6 पिन पे आता है। हम चेक करते हैं वो आ रहा है कि नहीं। अभी मैंने जो प्लॉट रखा है वो दूसरे पॉइंट पे है। भी तीसरे पे 408 सही है। फोर ज़ीरो सेवन ओके। यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। उसके बाद ओके, उसके बाद भी ग्राउंड, मतलब ये 6 हो गए पिन। एक जो पहला वाला है वो टच के लिए नहीं है, उसके बाद का पहला ओके, मतलब वो कनेक्टर का दूसरा पॉइंट है, उसके बाद कनेक्टर का तीसरा, उसके बाद कनेक्टर का चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सात। सातवा ऐसे ही है, पांचवे ट्रिक में प्रॉब्लम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6
ये लाइन पे जी आर नहीं आ रहा है, सिक्स लाइन छठे डिस्प्ले कनेक्टर का छठा ट्रैक है वो, और टच के लिए लाइन है वो डायरेक्ट आता है सीपीयू से, तो इसके लिए हम इसके सीपीयू को रिवोल्व करेंगे, क्योंकि उसके बीच का जो रजिस्टर है वो मैंने चेक किया हुआ है वो सही है। We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
डेवलप करके वापस लगा दिया है। अभी हम जो 6 नंबर के ट्रैक पे ऑयल आ रहा था वहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया है कि नहीं वो पहले चेक करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। रेजिस्टेंस तो कंप्लीट हो गया है, अभी हम चेक करते हैं मदरबोर्ड में, बोर्ड को डिस्प्ले में लगा के। आप देख सकते हो अपना जो प्रॉब्लम था टच पैड का वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया है।
Okay.